ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत के बाद मुखर्जी नगर जो कि आईएएस आईपीएस यानी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स का हब माना जाता है वहां पर लगातार तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का और विरोध प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों से ये स्टूडेंट यहां पर बैठे हुए हैं। आज तीसरे दिन आप देख सकेंगे कि किस तरह से हैशटैग जस्टिस फॉर ओआरएन एस्पिरेंट्स के साथ यह लगातार बाकायदा अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है। रितेश मिश्रा जी, आप रीवा मध्य प्रदेश से हैं, यहां पर कितने साल से कोचिंग कर रहे थे, कहां पर कर रहे थे? सर मैं 2 साल से यहां कोचिंग कर रहा हूं। इजी क्लासेस हमारा सामने, इजी क्लासेस मैंने कोचिंग की है जी। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? सर हमारी मांग पहले ये है कि जो शिक्षा के ठेकेदार हैं, जो आपको कहते हैं हम शिक्षक ठेकेदार बनते हैं, वो सब संस्था के ठेकेदार सामने आए और दिल्ली शासन प्रशासन जो है वो सामने आए, हम उनके सामने अपनी मांगे रखे, क्योंकि हम 3 दिन से यहाँ देख रहे हैं पुलिस प्रशासन के अलावा यहाँ कोई नहीं आया सुनवाई करने वाली। ठीक है, प्रशासन के सामने क्या मांग आप लोग रखना चाह रहे हैं? सर सबसे पहले जो बच्चों की डेथ हुई है उनको जो कंपनसेशन है वो 5 करोड़ होना चाहिए, उनके परिवारों को 1 सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, हम मुखर्जी नगर में रहते हैं, यहाँ का जो सिस्टम है चैन बन रखा है ब्रोकरेज का, जब हम रूम लेने जाते हैं तो अगर 12,000 का मेरा फ्लैट है तो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा मुझे सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। आप पिछले 2 दिन से लगातार ये मुद्दे आप लोग अलग अलग मंचों से कहते रहे हैं जी, क्या मांग है आपकी? सर मांग यही है कि जो मतलब कि ये जो घटना हमेशा होती जा रही है, इस पर मतलब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कानून एक बनना चाहिए प्रॉपर, कहाँ कोई इंस्टीट्यूट चलेगा तो इस मतलब कानून के हिसाब से चले। सर हम ये चाहते हैं कि पहले जो एग्जैक्ट कैजुअलिटी नंबर्स हैं वो बाहर आए, कभी हमें 3 सुनने को मिल रहा है, कभी हमें 5 सुनने को मिल रहा है, जबकि हमें ये भी पता चला है कि वहाँ पे जो कुछ सामने होटल के मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि हमने 8 डेड बॉडीज गिनी है, तो हमें एग्जैक्ट कैजुअलिटी का पता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम कंपनसेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 5 करोड़ की कंपनसेशन दी जाए। दूसरी बात, हमारी मुखर्जी नगर में भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लाइब्रेरी के दाम जो हैं, चूंकि बेसमेंट जो लाइब्रेरी बंद हो चुकी है तो उसकी वजह से प्राइसेस डबल कर दिए हैं जो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हैं। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं दरअसल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर और आएंगे, फिर आगे आपका क्या प्लान होगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है? रितेश राणा जी, सर हमारा प्लान ये है कि पहले हमारे 11 बजे तक स्टूडेंट आ जाएंगे, 12 बजे हम रोड जाम करेंगे। इससे ये हमारा मोटिव होगा, जब आम जनता को प्रॉब्लम होगी, समस्याएं होंगी तो शिकायत करेंगे, जब वो शिकायत करेंगे तो यहाँ कोई ना कोई प्रशासन की तरफ से बात करने हमारे से पास आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इनकी मांगे जो हैं आपने सुनी, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जब तक प्रशासन नहीं आएगा और ये मांगे प्रशासन के सामने ही रखेंगे, तो साफ है कि ये मुद्दा अभी थमता हुआ दिख नहीं रहा। दीपक बीस के साथ राम किंकर सिंह, मुखर्जी नगर।